हेलो एवरीवन दिस इज सुरभित और रेजोनेंस आपके लिए लेकर आया है चैलेंजर सीरीज और आज हमारे साथ फिफ्थ क्लास के एक स्टूडेंट है युगांश युगांश कैसे हो आप सर बढ़िया बढ़िया कैसे लग रहा है आपको सर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग, लग रहा है आपको नर्वसनेस नर्वस भी फील कर रहे हो आप क्यों सर थोड़ा डर लग रहा है थोड़ा डर लग रहा है लेकिन डरना तो अपन को चाहिए ही नहीं चाहिए ना डरना तो डर तो नहीं लगना चाहिए चलिए आज अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं क्या लगता है आप सबके जवाब दे पाओगे अच्छे से पता नहीं सर पता नहीं पर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस तो होगा ना कि हाँ मैं सब सारे क्वेश्चंस कर लूंगा और अच्छे से सबके जवाब दे दूंगा दे पाओगे ना शुरू करें अपन तो पहले तो अपन कुछ रूल्स यहाँ पे समझते हैं ठीक है ना थर्टी uh, क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं ठीक है ना जिसमें से वन से टेन क्वेश्चन जो होंगे ना वो साइंस के होंगे कैसा लगता है आपको साइंस सब्जेक्ट सर अच्छा लगता अच्छा लगता है क्या क्या पढ़ते हो साइंस में आप सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों में से कौन सा सबसे फेवरेट है आपका सर बायोलॉजी बायोलॉजी फेवरेट डॉक्टर बनना चाहते हो आप अच्छा वेरी गुड अब इलेवन से ट्वेंटी जो आएंगे ना वो मैथ्स एंड मेंबिटी होंगे मैथ्स भी अच्छा लगता है पक्का फिर उसके बाद ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फाइव सोशल साइंस ट्वेंटी सिक्स से थर्टी इंग्लिश ठीक है ना पाँच मिनट मिलेंगे पर आपको ठीक है ना ओनली फाइव मिनट तो जितनी स्पीड से आंसर देना है ना उतनी स्पीड मेंटेन अपन को रखनी है अगर आपको लगता है ना कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप स्किप करके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ गई ना क्लियरली yes, पक्का और आंसर कैसे देना है आपको ऑप्शन बताना है कि इसका आंसर ये वाला ऑप्शन है पक्का स्टार्ट करें रेडी हो आप लें अपन फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है सर ऑप्शन ऑप्शन है वेरी गुड बहुत जल्दी आंसर दिया आपने और बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड्स आर द एसआई यूनिट्स ऑफ सर

ऑप्शन बी पक्का जितनी yes, स्पीड से आंसर दोगे उतना ही टाइम बचेगा फाइंड द सक्सेसर ऑफ़ सर बी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कॉपी में सर गलत आंसर है कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन

उतनी ही प्राइज मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपको अगर आपने 25 से ज्यादा करेक्ट किए तो बहुत ही अच्छा सा प्राइज हम आपको देंगे ऑप्शन डी डी वेरी गुड करेक्ट आंसर है नाउ क्वेश्चन नंबर 19 बर्ड इज़ टू नेस्ट कौन सा ए ये गलत आंसर है 20 का नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

Now, question number 24. The first woman president of UN General Assembly was? Sir, option C. Option C, very good, correct answer. Now, question number 25. Battle of Plassey took place in the year? Sir, option C. Option C, very good, correct answer. Question number 26. Ashoka was wise king. Here, the common noun is? King. Sir, option, option? C. Very good. Question number 27. The plural form of commander in chief? Sir. Which option is correct? Command, sir, option C. Option C, Galat answer. Question number 28, I shall not blank space you. Fill in the blank. B. Option? Option? C. Galat answer. A. Now, question number 29, where is? And there are four options. Which is correct? Sir, option B. Option B, very good. Correct answer. And Now, question number 30, the last question. Robert does not blank space money. Need.

उनको वापस ले सकते थे बट फिर भी कुछ क्वेश्चन जो आपने गलत किए उनके कुछ आंसर्स अपन देखना चाहें तो जैसे 23 का आंसर चलिए वैसे भी टाइम अप हो गया है ठीक है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने खेला अब देखते हैं आपने किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया सभी के आंसर दिए कुछ के आंसर सही हुए कुछ के आंसर गलत हुए yes, देखते हैं कितने गलत हुए आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन क्वेश्चन आपने रॉन्ग आंसर किए हैं तो आपके जो मार्क्स आते हैं वो ट्वेंटी थ्री आते हैं आउट ऑफ थर्टी अगर ट्वेंटी फाइव मार्क्स आ जाते तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा प्राइज़ मिलता लेकिन कोई नहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम अपन फिर से कभी मिलेंगे और फिर से चैलेंजर सीरीज खेलेंगे yes, क्लियर है? तो युगांश ने बहुत अच्छे तरीके से खेला और युगांश के 23 मार्क्स आए लेकिन युगांश ने प्राइज़ नहीं जीत पाए इट्स ओके आप लोग भी कभी भी चैलेंज सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप लोगों के लिए भी चैलेंज सीरीज़ रेजोनेंस लेकर आएगा बहुत जल्दी Thank you so much.